आज तो राजा पीछे। विधायक जी आप थाने पर आए हैं, क्या घटना हुई है, क्यों आपको थाने आना पड़ा? अरे हम तो इस थाने में जब पूर्व की विपक्ष में थे तब भी यहाँ पर बैठ के गए थे, लात को पुलिस ले आई थी पकड़ के एक बार, आज आना पड़ा। ये भाजपा के जो लोग सत्ता में के नशे में चूर होकर जाति कर रहे हैं, आप सब लोग थे वहाँ पर, यहाँ जितने हमारे माइक लगे हुए सारे चैनल वाले साथी यहाँ पे खड़े हैं, आप लोग मौके पे थे, आपने सब वो चीज वहाँ पर देखी है जो वहाँ पर घटना घटी है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले लोगों के साथ जो जाति हुई है, क्या प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे कि चुने हुए प्रतिनिधियों को किस तरीके से सड़क पर सत्ता के घमंड में चूर होकर उनके मंत्री और उनके विधायक मारपीट कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर कार्रवाई ये सरकार करेगी नहीं करेगी? और अगर सरकार ये कार्रवाई नहीं करेगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय पर यहाँ पर सब जाति वर्ग के लोग, विपक्ष के लोग इकट्ठा होकर इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे। ये घटनाक्रम हुआ क्या था, क्या पूरा मामला हुआ? देखिए मुझे जितना पता चला है, यहाँ सदन में वार्ता हो रही थी, सदन में सदस्य खड़े होते हैं, नोकझोंक भी होती है, लेकिन बाहर से रचित एक तरीके से जो घटना हुई है वो पहले से रची हुई घटना थी, प्री प्लान करके वो लोग घुसे, उन्होंने सीधे जाति सूचक शब्द बोलकर उनके साथ मारपीट की पार्षदों के साथ, और जब पुलिस ने बचाया तो उनके फिर बाहर निकल कर आए, फिर सड़कों पर उनको खुलेआम जंगल राज की तरह दौड़ा दौड़ा कर, जंगल राज चल रहा है वो दौड़ा दौड़ा कर उनको पीटा गया, वो लगातार अपने बचाव का काम करते रहे। और अगर पुलिस ना होती बाद में ना आती, हालांकि थाने से 10 मीटर की दूरी पर घटना घटी, तो शायद आज उन दोनों लोगों को ये लोग सत्ताधारी पार्टी लोग सत्ता के नशे में मार दिए होते। उनका जो विधायक मंत्री है उनका ये कहना है कि जो नहीं उनका 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 मेरा मेरा और कहना उनका क्या कहना है वो आप देखिए, आप मौके पे थे, ऐसा नहीं है कि आप मौके पे नहीं थे, बात को झुटला नहीं सकते, वो क्या कह रहे हैं ये आपको भी सच्चाई का पता है, तो ऐसी बात को उल्टी सीधी कह के कोई फायदा नहीं है। आप वो बात उनसे पूछिए ना, तुम क्या कर रहे थे, कपड़े हम कहने लगे तुम महिलाओं के कपड़े छीन रहे, क्या नाम छेड़ रहे थे महिलाओं को, बदतमीजी कर रहे थे, तुम्हारे तो यहाँ के मंत्री तक बलात्कार में अभी तक जेल नहीं भेजा तुमने, तुम्हारे तो प्रमुख तक यहाँ तक अभी तक बलात्कार में फंसे हुए जेल नहीं गए, शर्म करो थोड़ी तुम लोग। तो अब ये आप क्या क्या कार्रवाई, हम चाहते हैं कार्रवाई कि पार्षद लोगों का, अभी हम लोगों की कप्तान साहब से बात हुई है कि पार्षद लोगों की डॉक्टरी हो, जो एक्चुअल घटना है सब कैमरे में कैद है, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन सत्ता के वो लोग हैं और सत्ता के मद में चूर होकर उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। मेरा आखिरी सवाल, पिटने वाले कौन थे और पीटने वाले कौन? पिटने वाले जो थे उनका भी आपको पता है और पीटने वाले का भी आपको पता है, और सत्ता के मद में चूर होकर एक मंत्री और एक विधायक और उसके चेले चपाटे गुर्रे जो थे वो उनके साथ थे, और चुने हुए पार्षदों के जिनका वो सदन था उनको उन्होंने सदन के अंदर पीटा और बाहर पीटा।